अस्सलाम वालेकुम फूड एंड ट्रेवल विद इलियास, मैं खुशामदीन। आज मैं मौजूद हूँ ईट क्लाउड में। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने आज एक प्यारा सा मीटअप रखा हुआ था गूगल लोकल गाइड्स का, जिसमें हम जो है आपस में मीटअप में डिस्कशन करेंगे इस तरह हमने काम करना है, पाकिस्तान लोकल गाइड को किस तरह प्रमोट करना है। कराची टीम ने आज छोटा सा एक मीटअप रखा हुआ था क्योंकि मैं भी इसका एक पार्ट, एक हिस्सा हूं, तो यहां पर जो है मैंने भी अपनी बहुत सी कंट्रीब्यूशन की हुई है गूगल क्राउड सोर्स पर भी और गूगल लोकल गाइड पर भी। बहुत सी ऐसी डिस्कशन हो रही हैं जो देख रहे हैं, सुन सकते हैं, लाइफ के आइडियाज़, लाइफ की स्ट्रगल, किस तरह लोकल गाइड जो है वो किस तरह काम करते हैं। लेवल 6 तक जनाब जी मैं ऐसे में पहुंचा और मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा, उसके बाद जो ना लेवल 5 पे जब मैं पहुंचा हूँ ना, तो मुझे मैसेज आया नोटिफिकेशन के, नाउ you have been qualified to attend local guide connect meetups or something like that. मैंने कहा ये क्या चीज़ है? तो हमारी जो कम्युनिटी बेसिकली उसका जो काम है वो गूगल मैप के ज़रिए से जितने भी हमारी जो तजारती मराकज़ हैं, जैसे या दुकानें हैं या छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, हम उसको गूगल में ऐड कर रहे होते हैं। गूगल लोकल गाइड्स या लोकल गाइड्स प्रोग्राम जो कि गूगल का एक एफिलिएटेड प्रोग्राम है, ये एक वॉलंटरी बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें लोकल्स ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री, अपने मुल्क के, अपने शहर के, अपने एरिया के, अपने सबर्ब्स के, अपने सिटी के जितने भी उसके फीचर्स हैं उसको एडिट करते हैं। यहाँ पर हमारे आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में, खासतौर पर कराची में, जितने भी लोकल गाइड्स हैं वो यहाँ पर जमा हो सकें, और एक वर्चुअल हमने मीटअप अरेंज किया था जिसमें हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोकल गाइड जितने भी हैं सारे हमारे पास इस प्रोग्राम में एडिट थे। जो हमारा मीटअप है, मीटअप इस सिलसिले में है, बेसिकली मैं आई टी सर्विसेज देता हूँ, आई टी सपोर्ट सर्विसेज, और मैं गूगल की कम्यूनिटी में कैसे इन हुआ, हमने मैप्स के हवाले से काम करना स्टार्ट किया। मैं बेसिकली खुद ही मैप्स के अंदर एडिट वगैरह कर रहा होता था, फिर अचानक मैंने लोकल गाइड कम्युनिटी देखी, मैंने उसको ज्वाइन किया, देन आई विल इंटर हियर। क्योंकि मैं खुद भी अपने सिटी को एक्सप्लोर कर रहा था, उस दौरान मैंने देखा कि कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो कि गूगल मैप पे लिस्टेड नहीं थी, तो फिर जब मैं मैप का यूज़र था तो मुझे फिर आइडिया हुआ कि मिसिंग प्लेस को किस तरह ऐड करते हैं, तो फिर मैं और उसमें गूगल में ना सिर्फ हम उस जगह को ऐड कर सकते हैं बल्कि हम उसमें उसकी तस्वीरें भी ऐड करते हैं, उसकी फ़ोन नंबर है और वेबसाइट है या उनकी टाइमिंग है, क्या टाइम वो खुलती है, क्या टाइम बंद होती है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें अपलोड कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो किसी ने अगर दुकान खोली हुई है, छोटी सी भी दुकान है, मगर उसकी जो दुकान है या बिजनेस है वो गूगल मैप पे विजिबल है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि वो गूगल सर्च में आता है, गूगल सर्च के ज़रिए से उसको बिजनेस मिल रहा होता है, उसको प्रमोट करते हैं, उसको उसमें जो ख़राबियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो जो अच्छाइयाँ रिक्वायर्ड हैं उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी भी ख़ास जगह की, किसी भी ख़ास शहर की, किसी भी ख़ास मॉन्यूमेंट की, किसी ख़ास ईटिंग प्लेस की, डाइनरी की, जो खाने की जगह हैं उसको ऐड करना, उसकी तस्वीरें ऐड करना, उसके टाइमिंग्स, ऑन एंड ऑफ टाइमिंग, और इन सारी चीज़ों को ऐड करते रहना। अच्छा, जो दूसरा फॉरम है हमारा वो है गूगल क्राउड सोर्स। गूगल क्राउड सोर्स एक भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, दुनिया भर में फैली हुई है, और इसमें भी दुनिया में करोड़ों लोग जो हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। किसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं? वो करते हैं अपनी लैंग्वेजेस के लिए। जैसे मैं उर्दू बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि गूगल में जिनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है उनको बेहतर ट्रांसलेशन मिले, तो उसके लिए मुझे करना पड़ता है कि गूगल की ट्रांसलेशन का जो ऑप्शन, इसमें गूगल क्राउड सोर्स में ही एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए से मैं गूगल में मुख्तलिफ जुमलों की मैं ट्रांसलेशन गूगल को डाटा प्रोवाइड करता हूँ। ना सिर्फ ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता हूँ बल्कि मैं जो अगर हाथ से लिखी हुई तहरीर है उसकी तस्वीर खींच के और उसको मैं अपलोड करता हूँ,
जो कि गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाती है मुख्तलिफ रस्मुल ख़त, उर्दू के मुख्तलिफ रस्मुल ख़त। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप गूगल लेंस यूज़ कर रहे होते हैं और किसी भी आप उर्दू तहरीर पे उसको गूगल लेंस को आप जब रखेंगे तो वो फौरी तौर पे उसकी शनाख्त करेगा और फौरी तौर पे उसकी ट्रांसलेशन करेगा, उसका तर्जुमा फौरी तौर पे आपको फराम करेगा। तो इसके लिए भी हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और ये सारा वॉलंटियर काम है, चाहे गूगल मैप का हो चाहे गूगल क्राउडसोर्स का हो, और बस एक मोहब्बत में हम लोग करते हैं अपने मुल्क की, अपनी ज़बान की, और हमारी कोशिश ये है कि और लोग भी करें। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं ये पीछे जो दोस्त सारे बैठे हुए, आज हम यहाँ पे हमने एक मुख्तसर सा एक मीटअप किया था और हमारे साथ ऑनलाइन भी लोग थे जिसमें पूरे दुनिया से लोग थे, मुख्तलिफ इंडिया से भी थे, मलेशिया से भी थे, पाकिस्तानी भी थे और मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद भी थे, मगर सबका मकसद एक ही था, सब ने अपना टाइम निकाला और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर की और उनको बताया कि मैंने उनसे सीखा कि किस तरीके से मुझे कंट्रीब्यूशन को अपने यूज़फुल बनाना है, उसको इतना मुफीद बनाना है कि दूसरे लोगों के काम आए। शुक्रिया। गूगल के अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मैप्स के हवाले से वो एडिट और सजेस्ट करने की बात, क्योंकि अगर आपने कोई लोकेशन डाली है और आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गूगल जो है वो अदर लोकल गाइड से कंफर्म करेगा कि आइदर ये जिस शख्स ने एडिट की है वो सही की है या नहीं। ऐसा ना हो कि मतलब किसी ने फेक एडिट कर दिया और उसके बाद उसको जो है वो लाइव कर दी लोकेशन को, हमेशा वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो एडिट करता है। ये गूगल का मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा है और गूगल मैप्स के हवाले से आप लोग भी इसको ज्वाइन करें और अच्छा लगेगा। थैंक यू। और इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ आज के इवेंट में काशिफ भाई ने जो हमें सुनाई है वो ये है कि एक हम जो वॉलंटियरी जो काम कर रहे होते हैं हमें अक्सर ये शिकवा रहता है कि हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, हमें कोई पर्क्स नहीं मिल रहे, तो आज हमें ये न्यूज़ सुनने को मिली है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि गूगल की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, इनाम आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में हम ले रहे हैं, क्योंकि जब कोई देखता है ना कि हमें कोई चीज़ मिल रही है तो हमारी तरह और भी लोग आगे बढ़ेंगे और कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो आज का जो सेशन था वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा और ख़ासतौर पर तमाम लोकल गाइड कम्यूनिटी से मिलकर फेस वर्चुअली या सोशल मीडिया पर तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते ही हैं, बट आज फिज़िकली सबसे मिलकर जितना अच्छा लगा।